तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में केरला की। और मेरे को नहीं लगता मैं ज़्यादा वीडियो केरला की डालूंगा, तो ये मैंने सोचा हाउस बोट जा रहे हैं भाई आज हम, टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो मैंने सोचा इसकी एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे जगहों पर रुकना पसंद है, जैसे हाउस बोट हो गया, इजिप्ट में क्रूज़ किया था, तो ऐसे मतलब अलग जगहों पर रुकना पसंद है। खैर ये भी मेरे लिए तो बहुत ही अलग है भाई, मैं ऐसे रिजॉर्ट में नहीं रुका कभी, क्योंकि भाई मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा हॉस्टल्स में रुकना। तो वैसे तो ये रिज़ोर्ट है कोल्लम में, कोल्लम के पास ही है, फ्रेग्रेंट नेचर नाम है रिज़ोर्ट का। और मैं अभी आपको एक रूम टूर दे देता हूँ छोटा सा भाई, रूम क्या पूरा घर ही है एक टाइप से 1 BHK। तो ये मेरा पूरा जो स्टे और ये टूर है ये केरला टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अभी जाएंगे, आज का जो दिन है हमारे लिए है हाउस बोट का दिन मेरे आइटनरी में। दीपांशु भी आया मेरे साथ नोमैडिक इंडियन, आप जानते हो, पर उसका आज हाउस बोट नहीं है, वो कहीं और जाएगा। तो एक बार रूम दिखा देता हूँ मैं भाई, ये तो होगी बालकनी, फिर यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, उल्टा ही हो गया। तो ये हो गया भाई अपना पूरा रूम, थोड़ा बिखरा हुआ है, रात को लेट हो गए थे वरना मैं रात को ही टूर दे देता। ठीक है, ये हो गया पूरा रूम। फिर आते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं, तो ये आ गया अपना बाथरूम। ठीक है, ये भाई एक मतलब ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है रूम को, ब्लू ब्लू कलर के। फिर आते हैं भाई, यहाँ पर आ गया आपका लिविंग रूम। और यहाँ से अगर मैं बाहर निकल जाऊँ, ये देखो मैं इसलिए कह रहा था इसको घर, यहाँ पे ये देखो पूरा गेट टाइप है मतलब। और ये रही अपने शिवा भाई, ही इज ऑल्सो कमिंग ऑन द हाउस बोट विद अस, राइट? अनिल भाई ऑल्सो। और ये दोनों भी भाई ब्लॉगर्स हैं, और ये हैं तेलंगाना से, इनके ब्लॉग्स तो तेलुगु में हैं, तो पर अगर आप तेलुगु लैंग्वेज आपको समझ में आती तो इनके चैनल पे आप जाके देख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा था भाई घर है ये, रूम नहीं है। देखो बाहर से देखो आप, पूरे यहाँ पे भी बैठने बैठने का। अब मैं यहाँ से अगर जाऊँ तो देखो भाई क्या बेहतरीन प्रॉपर्टी है यार, और इतना महंगा नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि महंगा है, ये देखो भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई ये क्या बना रखा है भाई इतना बड़ा मतलब। और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है यार, मैंने ऑनलाइन चेक किया, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो अपनी डेट डाल के, क्योंकि हर डेट का अलग अलग प्राइस होता है। खैर मैंने तो इस रूम के लिए पे नहीं किया है, क्योंकि केरला टूरिज्म के साथ मैंने बता ही दिया है। सो देखो भाई है नहीं मस्त, मस्त चीज़ नहीं है। तो इससे पहले वाला रिजॉर्ट था वो भी ऐसा ही था, पर ये तो कुछ अलग ही लेवल पे है मतलब। तो मिलते हैं भाई आपको भी रास्ते में। अभी हम सोच रहे हैं यार, कल ना हम जा रहे थे बीच पे, कौन सा बीच था, वर्कला बीच, और होगी बारिश, जैसी बीच पे पहुंचे वैसी बारिश शुरू हो गई, तो हम कल आ गए। तो आज हम सोच रहे हैं पहले बीच पे जाएं, फिर कोल्लम की तरफ जाएंगे, और वहां से जाएंगे हाउस बोट की तरफ। तो निकलते हैं, बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ, खा पी लिया खाना, ब्रेकफास्ट भी मेरा यहीं पे था। और देख रहे हैं यहाँ मतलब रहने का ही मतलब, रोज़ तो नहीं रह सकता मैं, पर एक दिन के लिए अच्छा था। देखो भाई ऐसा ही वो मेरा कमरा था, ये दीपांशु भाई का कमरा, क्या यार घर ही है पूरा एक तरह से। देखते हैं भाई क्या कर रहा है दीपांशु। दीपांशु भाई, एक तो आने में ही बहुत टाइम लग जाता है वहाँ से खोलने के लिए आने के लिए। हाँ भाई क्या कर रहा है पापा जी, एक मिनट मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ। पापा से बात, पापा से बात कर रहा है दीपांशु छोटा बच्चा। ले भाई तेरी गोप्रो की बैटरी, एक तो मैंने तेरे बैग में, देखो ये देखो ये ड्रोन दे दे, ड्रोन दे दे, ड्रोन नहीं दे रहा भाई अपना मेरे को, मैं नहीं दूंगा भाई। कैसा लगा भाई कमरा? कमरे सबके बराबर ही है यार। नहीं नहीं तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा अच्छा था यार भाई, पहली बार रईसी में ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस ही था। दिल दारा, दिल दारा,
कल हो गई थी बारिश वर्कला बीच, जैसे हम पहुंचे तो हम आ गए वापस, ठीक है। तो अब हम जा रहे पहले वर्कला, फिर जाएंगे हाउस बोट पे। तो वर्कला वाली वीडियो भी शायद इसी में मैं डाल दूंगा। और अपने संतोष भाई आ चुके हैं सुबह सुबह क्या होटल में ही रुके थे यहाँ पे। फिर वर्कला बीच कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा ना बस? आधा घंटा वहाँ पे, आधा घंटा को ड्रोन उड़ालेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेंगे। भाई बीच पे कितने देर घूम सकते हो आप? और मौसम तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ढाई घंटे में फिर हम पहुंच जाएंगे एलएपी। हाउस बोट मतलब कहाँ कहाँ होती है केरला में? टोटल कोल्लम में भी है। हाँ, और एलएपी बस मेन यही है, मेन एलएपी है बड़ा। तो मेन एलएपी, और एलएपी का दूसरा नाम क्या है? आलपुरा। एलएपी मतलब पुराना नाम है ना। एलएपी ब्रिटिश यूज करते थे ताकि आसानी रहे उनको बोलने में, है ना। और जैसे कोची, इनको कोची कह देते हैं, ये भी तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम कर दिया, तो ऐसे काफी सारे नाम यहाँ पे भी चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे आ गए भाई वर्कला बीच, जो कल शाम को आए थे। कुछ ऐसा दिखता है भाई, देखो हम तो अभी बहुत ऊंचाई पे हैं, बीच काफी नीचे है हमसे अभी। वहाँ पे आप रोक के बीच पे भी जा सकते हो जो जाएंगे अब अभी। पर यहाँ पे उड़ रही है भाई बहुत सारी चील, दिख रही होंगी आपको शायद, बहुत बड़ी बड़ी चीलें उड़ रही हैं भाई यहाँ पे। तो शायद ड्रोन तो यहाँ इस हाइट से पॉसिबल नहीं रहेगा, नीचे जाके हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो अभी आगे वर्कला बीच, मेरे पीछे समुद्र और ये बीच है। और भाई अभी मैंने एक भागते हुए शॉट लिया, मतलब मैं भाग रहा हूँ किनारे पे, मतलब समुद्र के और इसके बीच में। तो दीपांशु ने लिया ऐसे ही, मतलब अभी नूबी पायलट है ड्रोन का, तो जैसा आया वैसा ही आया, पर ठीक ठाक ले लेता है ये भी आजकल। तो बस ये खाली है बहुत बीच यार, मतलब टूरिस्ट कम आ रहे हैं अभी गोवा के हिसाब से, तो बहुत खाली है। मैं गया नहीं हूँ गोवा, पर मैंने वीडियो देखी हैं और लोगों ने बताया, उसके हिसाब से तो बहुत खाली है। देखो आगे तो बिल्कुल ही खाली है, कोई भी नहीं है। ये अनिल भाई हैं अपने, बस और कोई नहीं है। तो बस यही था बीच में, और क्या बताना है, साफ सुथरा है काफ़ी। अब चलते हैं सीधा अपना हाउस बोट की तरफ। तो भाई अराउंड ढाई घंटे बाद, ढाई तीन मान लो, तीन घंटे बाद हम पहुँच गए एलएपी। और रोड बहुत पतली पतली हैं, मतलब सिंगल लेन ही रोड है, और वो भी डिवाइडर नहीं है बीच में, तो ऐसा ही है। तो अभी पहुंच गए हाउस बोट की लोकेशन पे। तो यहाँ पे पहले बोर्डिंग पॉइंट है, फिर वो हमको हाउस बोट तक लेके जाएंगे। चलते हैं भाई, देखते हैं दिस साइड। ओके, ओके, थैंक यू। First, just maybe. Yeah. Wow. Yeah. Welcome, brother. नारियल पानी भाई. Thank you. Wow. तो ये आ गया हाउस बोट में, भी टूर देता हूँ। ये है कैप्टन की चेयर, और अब रस्सी वस्सी खोल के इसको बैक कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो चलो तब तक आपको हाउस बोट का टूर दे देता हूँ। ये है हाउस बोट से घुसते ही हॉल, ये शिव कृष्णा है, ये हाउस बोट के साथ मिलेगा आपको फ्री। तो ये आ गया डाइनिंग अपना, ठीक है। फिर अंदर चलते हैं। तो रूम्स का मैं बताता हूँ क्या सिस्टम होता है भाई। जैसे एक ये रूम हो गया, थ्री बेडरूम की है ये वाली हाउस बोट, ठीक है। इसका यहाँ पे वॉशरूम हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ये मैं अपने वाले रूम में दिखाता हूँ ज़्यादा अच्छी तरह। ये हो गया सिंगल वाला रूम, और लाइट्स फ्लक्चुएट कर रही हैं पर असली में ऐसे नहीं कर रही हैं। ये आपके अलमारी हो गई, ये आपका वॉशरूम हो गया, और यहाँ से अगर आप खोलोगे तो ये आपका ये हो गया। खोल भी सकते हैं पर उन्होंने कहा रात को बंद रखना भाई, क्योंकि मक्खी वक्खी आ जाएंगी, सारी फ्लाइज वगैरह उड़ती रहती हैं यहाँ पे। तो ये है, और थर्ड बेडरूम होगा। और इन्होंने क्या बताया कि भाई एक बेडरूम से लेकर पांच बेडरूम तक की हाउस बोट हो सकती हैं यहाँ पे केरला में। तो मतलब एक बेडरूम वाली, मतलब पूरे हाउस बोट पे सिर्फ एक बेडरूम, उसमें जकूजी वगैरह सब कुछ, ठीक है। पर भाई हम तीन लोग आए हैं तो फिर एक वाली तो दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा अभी तो ये वाली। मैंने कहा दिखा देना एक बार वन वाली कैसी होती भाई, किसी को अगर सिंगल बेडरूम वाली चाहिए हो। हालांकि वो महंगी तो होगी, पर देखने में तो मज़ा आएगा भाई, जकूजी वगैरह हाउस बोट पे, पूरी हाउस बोट अपनी। फिर अभी सिस्टम क्या है कि अभी जाएंगे एक छोटे से राउंड पे, ठीक है, और यहीं पे वापस आके रात को पार्क कर देंगे।
तो फिर ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं भाई। दीपांशु भाई से ड्रोन तो लेके आए थे, गिर गया इसमें, गिर गया बैक वाटर्स में, तो भाई कह नहीं सकते कुछ। पर अभी उड़ा के देखते हैं ड्रोन का फन लेते हैं। यहाँ से देखो भाई ऐसा नज़ारा मेरे को मिल रहा है अपने बेड से, और ये लाइट नहीं हो रही भाई ऐसे, ये कॉन्स्टेंट जल रही है। अगर मैं इसको खिड़की को खोलूँ कहाँ से खोलूँ, ओ भाई ये तो ये खुल गई। ऐसी कुछ हाउस बोट है, देखो देखिए कुछ तो दिखी होगी यार। अब इससे ज़्यादा लंबी स्टिक है नहीं मेरे पास, बंद हो जाए। हाँ तो अब क्या है, अब चलते हैं खाना खाने। लंच लगभग 3:30 हो गए हैं, लंच करते हैं फिर उड़ाते हैं ड्रोन अपना वजह से। तो ये है भाई अपना लंच हाउस बोट पे। Yeah, can you tell what are all these things are? Yes. This is the lemon pickle. Lemon pickle. This is a cabbage or carrot chopped coconut mixed vegetables. Okay. This is a beetroot and yogurt. Name of the pachadi. Okay. This is a vegetable sambar. Sambar. This vegetable is the sambar. Okay. This is a Kerala special item restaurant. This is the yellow color. This is a avial. Avial? Yes. Okay. Avial. This is yes. This is a chicken. Yes. Mm-hmm. Chicken. This is a long beans. Long beans. Yes. Is a papad. Is a making the udki dal. Okay, papad. Is a fish. Hmm. Is a pearl spot. Sorry, 0.5 tons. Is a Kerala special fish. Fish. Is a river fish. Okay, what's the name? Pearl spot. Okay, done. Pearl spot. Pearl spot. Pearl spot. Pearl spot. Yes. Okay, here rice over. The rice. Yeah. Thank you, sir. What's your name? Is a John. 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 तो मरो ड्राइवर आते हैं, उसका नेम यात्रा डॉक्टर यात्री या हाउस बोट चला रहे भाई। और इसका हैंडल मतलब कितना घुमाएंगे तो कितना घूमता है, क्या सिस्टम है? इतना भी घूम सकते हैं मगर राइट जाना है तो राइट घुमाना है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट घुमाना है, ऐसा अपना सेम गाड़ी का गेज है। पर इसमें घुमाना ज्यादा पड़ता है ना, वो ज्यादा नहीं घुमाना है, ज्यादा नहीं। अब पहले इसका हेड को देखो, वो किधर अभी देखो, वो लेफ्ट जा रहे हैं, राइट पकड़ो, राइट गया तो लेफ्ट पकड़ो, बस इतना ही देखना है। ये इसका ओ गियर है, गियर ये आगे कर रखा तो बोट आगे जाती है, पीछे कर दोगे तो इसको पीछे। ये इसका ये एक्सेलेटर, इसको ऐसे कर दोगे तो तेज हो जाएगी। अब ये बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे है क्योंकि अभी हम नूबीज हैं, नूबी ड्राइवर। अभी यहाँ से उड़ाएंगे भाई ड्रोन। टाइम कितना हो गया है शिव? टाइम सवा पाँच बज चुके हैं, 1 घंटे में वो सनसेट। और हाउ एम आई ड्राइविंग शिवा? वाह वंडरफुल, यू फील सेफ? या आई कैन स्विम, यू वांट टू ट्राई? या एक्सेलेरेटर पिंच, या नो एक्सेलेरेटर। तुझसे ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। चल रही जीवन का
नदियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। तो भाई अभी हमने उड़ाया था ड्रोन, और मतलब थोड़ा यार एक जगह खड़े होकर उड़ाना अलग बात होती है, और चलती हुई बोट में से उड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, और मेरे को आता भी नहीं उड़ाना। दीपांशु ने अपना ड्रोन दिया मेरे को कि भाई ले जा कोई बात नहीं। तो हवा भी है यहाँ पे, बोट चल भी रही है, वैसे तो बिल्कुल खड़ी करवा दी थी पर फिर भी पानी की बहाव की वजह से थोड़ा आगे पीछे साइड वाइड में होती रहती है, फिर उस हिसाब से कंट्रोल से एडजस्ट करो। तो जैसे मतलब हो पाए वैसे ही करा भाई, बड़ा रिस्क है मतलब यहाँ पे उड़ाना, एक तो गिरेगा भी तो सीधा पानी में ही गिरेगा। क्यों भैया मिलेगा नहीं ना फिर ड्रोन गिरने के बाद? तो भाई अभी लगभग सनसेट हो ही चुका है, या फिर होने वाला है, या फिर इन बादलों ने कर ही दिया है सनसेट, सन तो अब दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे भाई कभी मौसम चेंज हो सकता है, लग रहा है रात को बारिश भी होएगी। और जहाँ पे दीपांशु भी मैंने फ़ोन किया था, कह रहा है यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, यहाँ पे तो अभी तो इतनी तो हवा चलती रहती होगी ना हमेशा। तो भाई ये है अपनी हाउस बोट, टूर तो मैंने दे ही दिया। अब हाउ मच टाइम टिल वी रीच बैक? कम बैक योर 6:30 6:30 वी विल रीच। ओके तो 6:30 बजे मूविंग है। ये यू कैन मूव। तो बस वो पूछ रहे थे स्पीड बढ़ा दें, तो भाई 6:30 के करीब हम वापस पहुंच जाएंगे। वैसे प्लान था 12 बजे पहुंचने का, यहाँ पे आपने वीडियो में देखा है पहले हम वर्कला बीच चले गए तो उसमें टाइम लग गया हमारा, तो हमने कहा भाई मिस तो कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, वरना आप ये 6-7 घंटे घुमाते हैं, फिर शाम को रात को एक जगह पार्क कर देंगे और सुबह 9 या 10 बजे चेकआउट करना है। तो ये मतलब श्रीनगर की जो हाउस बोट होती है उससे अलग है। एक तो यहाँ पे इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक है ये, ठीक है, ये तो मैं बताने ही भूल गया भाई, इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक है। इस लेक की चौड़ाई पर्टिकुलर 1 किलोमीटर मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चौड़ाई वाला पॉइंट 14 किलोमीटर चौड़ी है सबसे मतलब सबसे वाइड पॉइंट से। तो मतलब पूरा एक तरह से अगर इतनी बड़ी तो नहीं है, मतलब पेड़ वेड़ तो दिख रहे हैं, वरना आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ी है यार। पहले तो मतलब पतली पतली उनमें से निकल के ये आपको इस लेक तक आएंगे, और फिर यहाँ पे गोल घुमा के वापस। फिर केरला का हाउस बोट का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, और मेजरली आपको ये हाउस बोट LFP और कोलम में ही मिलेंगी, क्योंकि यही मेन दो जगह है जहाँ पे होती है। और इसका प्राइस मैं पूछ के बता दूँगा यार, मेरे को तो पता नहीं है, आपको पता है मैं केरला टूरिज्म के साथ आया, तो मेरे को तो पता नहीं है, पर मैं पूछ के बता दूँगा, और डिपेंड करता है आप कितनी लग्जरी बोट लेते हैं। व्हाट्स द टॉप स्पीड ऑफ दिस बोट? एक घंटे में 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। 3 घंटे चले हैं, आराम आराम से भी चले हैं 5 की स्पीड से भी, तो 10-12 किलोमीटर तो हम चले तो बस आराम से हो। भाई अंदर से तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये तो था अपना लिविंग एरिया, और बड़ी बोट भी हैं भाई जिसमें ज़्यादा हैं, छोटी बोट भी हैं, 1 बेडरूम वाली बोट भी हैं। 1 बेडरूम वाली मैं आपको कल दिखाऊंगा अगर अवेलेबल हुई तो। यहाँ पे आप खाना खाओगे तो आपको पूरा ये दिखेगा भाई, यहाँ पे आप चटाई नीचे भी कर सकते हो अगर मतलब गर्मी लगती है आपको, और अंदर सारा वही अपना रूम्स वगैरह है। तो मतलब इतनी है, छोटी है मतलब भाई, क्रूज़ नहीं है मतलब, एक तरह से बोट ही है यार, क्रूज़ नहीं कह सकते, बोट की टाइप से। तो भाई अलग अलग, एक मैं बैठा हूँ लक्सर के क्रूज़ में इजिप्ट में, एक ये दूसरा ये हो गया श्रीनगर की हाउस बोट में बैठा हूँ मैं, मतलब ऐसे वो ज़्यादा तो घुमाते नहीं, वो तो एक जगह खड़ी रहती है वैसे भी, और याद नहीं आ रहा मैं कहाँ का बैठा हूँ। और आपको चलाने भी देंगे, लेफ्ट राइट करने को आप कर सकते हो जो आपके मन करे, जो आप कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ा सकते हो घटा भी सकते हो, सब करने देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, टक्कर थोड़ी हो जाएगी, टक्कर होगी तो संभाल ही लेंगे, ठीक है। जो केरला के बारे में थॉट्स थे ना मेरे, वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। क्या थॉट्स थे मेरे? थॉट्स थे यार यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, गर्मी होती है ह्यूमिडिटी होती है, पर बात यह कि जगह इतनी अच्छी है, अभी इतना प्यारा मौसम हो चुका है बाहर की आप जाके खड़े हो सकते हो, तो ये बात है कि मैं सोचता था गर्मी हमेशा ही रहती है, पर शाम को मौसम काफ़ी सही हो जाता है, तो फरवरी जनवरी के करीब आओगे तो आपको बहुत अच्छा मौसम मिलेगा। और भाई बारिश में मत आना, क्योंकि ऐसा होता है कि 7-7, 10-10 दिन बारिश यहाँ पे लगातार चलती रहती है। भाई एक चीज़ दिखाने भूल गया था कि बोट में हॉर्न भी है, भैया हॉर्न बजा के दिखाना बोट का, हॉर्न बजा के दिखाना। अरे अच्छा वहाँ लगा रखा है, ये बटन किस लिए? और ये लाइट का है। अच्छा ये ऊपर वाला जलता है, देखो। अच्छा ठीक है, ये छोटे लाइट का। अच्छा ये ग्रीन वाली है। और ये स्विच ऐसे मारा है तो बेल पीछे,
अच्छा अच्छा किचन में शेफ का बेल है। अच्छा अच्छा शेफ को बुलाना है तो बुला सकते हैं। ठीक है। और ये ऐसे किया अपना ये हॉर्न चलेगा। अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। ये नहीं दिखाया था ना पहले। तो अभी कितने की स्पीड से? फुल स्पीड है कि? फुल स्पीड नहीं है। अच्छा ये मीडियम होगा। 5 की स्पीड? 5 नहीं 10 की तो लग रही है। ये वाली लाइट थी वो, एक ग्रीन है, एक उस तरफ रेड है, एक ऊपर हेडलाइट है भाई, फोन भी ऊपर ही है। अभी टाइम हुआ है 6:45 और अभी तक भी मतलब अंधेरा नहीं हुआ। और चाहो तो आप ना ये भी खोल सकते हो, जिसकी जो खिड़की है पूरी खुल जाती है। अभी मतलब मेरे को लग रहा है शायद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 में अंधेरा हो जाएगा। देखो जैसे बोट आगे से वो जला के आ रही है ना लाइट, वैसे यार ये कोस्टल लोगों के लिए तो आम सी बात है कि बोट लाइट जला के आ रही है भाई। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी मतलब अजीब बात है। वैसे अजीब तो नहीं है, मतलब होना तो चाहिए ही, पर देखा पहली बार है। तो अभी होने वाला है भाई, बस सनसेट तो हो चुका, अंधेरा होने वाला है लगभग 10 में। और इसको कर देते हैं भाई बंद, क्योंकि उन्होंने कहा था वरना मच्छर इंसेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। और ये हो गया क्लोज। तो डिनर में हमारा फिश करी, चिकन फ्राई, सैलेड, ये क्या भिंडी, बीन्स, ये दाल हो गई, चावल, इसमें और चपाती है, इसमें रोटी होगी। हाँ चपाती। थैंक यू। रेडी? या। तो अगली सुबह हो चुकी है, और कल रात की बात बताता हूँ। कल रात को भाई जब मैं सो रहा था तो सारी लाइट मैं बंद कर रहा था, यहाँ से जैसे ये ऑन हो गई, अब ये ऑफ हो गई, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, सारी लाइट मैंने बंद कर दी, सब बंद था, ये वाली लाइट जल रही थी। और भाई मैंने सारे कमरे में देख लिए भाई, सारे स्विच ऑफ थे। मैंने कहा भाई ये कहाँ से जल रही है लाइट। फिर मैंने चार्जर, तो मैं ये ड्रोन लगा के सोया, तो मैंने कहा भाई चार्जर वाली से जल रही हो, क्या पता, ये भी ऑफ करके देखा, नहीं हुआ नहीं हुआ भाई। मैं फिर किसी को मैं जगाना नहीं चाहता था यार, जितना भी क्रू है 12 बज चुके थे, मैंने कहा किसको जगा के रहूँ मैं एक लाइट के ऊपर, पर नींद नहीं आ रही थी मेरे को इसकी वजह से। तो भाई मैंने फिर ये बटन ऑन करने शुरू कर, जैसे इसको ऑन किया ना मैंने, ये लाइट बंद हो गई, ये ऑफ करने पे जल रही है और इसके बंद हो रही है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि ऑफ करने से जल जाए, तो मैं परेशान हो गया। मतलब मैंने एक घंटा ढूंढा भाई ये कहाँ से बंद होती है, पूरे कमरे में घूम लिया मैं कि भाई कहाँ से बंद होती है, क्योंकि सारे स्विच तो सही है, बस उसी लाइट का उल्टा स्विच था। देखो जैसे ये तो है बाथरूम की स्विच है, इसको ऑफ कर दे तो ऑफ हो गई ये, पर उसी का उल्टा था। चलो अब मैं बाहर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वो क्या सिस्टम है अभी। सो शिवा, हाउ वाज योर नाइट? या इट्स वंडरफुल नाइट। यू लाइक्ड इट? ओनली वन पर्सन हग माय सेल्फ। ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई, वाटरमेलन जूस यहाँ पे बहुत फेमस है, वाटरमेलन और पाइनएप्पल बहुत फेमस है यहाँ पे। ये आ गया भाई अपना ऑमलेट, ये ब्रेड, ये जाम, ये है भाई छोले, इसमें क्या है, ये क्या है, पुट्टू, हाँ इसमें आ गया पुट्टू, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चना मसाला? हाँ चना मसाला देख लिया। इसके अलावा भी कुछ आएगा, यही है ना? चलो ब्रेकफास्ट में भी यही है। ब्रेकफास्ट आपने देख लिया, ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। तो बस अब जा रहे हैं वापस अपने जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, क्योंकि कल हम लेट हो गए थे, वरना अगर आप जल्दी आओगे तो आपको मतलब शाम को ही पूरा घुमा के वहीं पे ले आएंगे, ताकि आप सुबह आराम से 9:30 उठ के अपने चेकआउट कर सको। पर हमारा क्या था, हम 7:30 चल गए थे सुबह, और अभी चल ही रहे हैं, टाइम क्या हो गया, अभी 9 बजने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 20-25-30 में पहुँच जाएंगे वहाँ पर, और फिर चलेंगे अगली डेस्टिनेशन की तरफ। भाई इन दोनों की शूटिंग चल ही रही है, इनका चैनल चेकआउट करना है, माई विलेज शो चैनल चेकआउट करना है, फिर अनिल जीला व्लॉग्स, सबटाइटल्स होते हैं और तेलुगु वाले बंदे तो देख ही सकते हैं, तो फिर देख लेना अगर आपका मन कर रहा है तो। भाई पूरे दिन शूटिंग करते रहते हैं बंदे, मैं तो इतना कभी ना कर पाऊँ। बेडरूम है बस, तो ये वाली बोट है जो मैं कह रहा था, जिसमें सिर्फ एक बेडरूम है। डाइनिंग है, ये तो लिविंग, 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 ओके, टीवी हॉल, यस, स्मॉल फ्रिज इनसाइड द, ओके ओके, बेडरूम,
अच्छा इसमें देखो भाई जकूजी वगैरह लगा हुआ है। ओके ऊपर भी है बोर्ड में कुछ? ये ऊपर मैंने डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम आ जा। पीछे कुछ नहीं है ना? ये किचन। अच्छा किचन ऊपर देख। ये ऊपर डाइनिंग रूम हो गया, वहाँ पे वॉश बेसिन। तो ये थी 1 BHK वाली भाई, इसलिए हमको नहीं रखा क्योंकि हम 3 लोग थे तो एक ही बैठता है इसमें, वरना अगर कोई सिंगल लेना चाहता है तो उसके लिए ये भी अवेलेबल है। ये 5-6 BHK वाली होगी भाई, हमारी थी 3 वाली, 2 वाली भी होती है, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली, फिर 6 वाली। तो ये था मेरा भाई केरला की हाउस बोट का एक्सपीरियंस LFP में, LFP या फिर अल्लाह पता नहीं यार क्या कहते हैं, अल्फाजू पता नहीं यार, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, मैं भूल जाता हूँ, तो LFP मेरे लिए सही है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, हम मिलते हैं आपको केरला की किसी और एडवेंचरस वीडियो में।